नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्र कश्यप आज अपना का एक ऐसा होनहार युवा से मिलवाई थे कि जौन संस्कृत में महारत हासिल कहे है। अब इन्हें हाल में ही मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किन गया है और वह युवक से मिलवाई थे और जानी थी कि काहे खातिर सम्मानित किन गया है। का शुभ नाम है? नमस्कार, हमारा नाम श्री राम पांडे है और सीरिया गाँव के निवासी हैं। जौनी आचार्य शंकर न्यास मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग के थे प्रकल्प आए जेमा देश भर से लगभग 57 युवा का चयन भर रहा जौन का सबका भेजा गया रहा केरल एक से शिविर करे खातिर जमा आचार्य शंकर के जौन काम रहा उकर लोकव्यापीकरण करे खातिर और इस सगले प्रकल्प में जितने युवन के चयन भरा उनका दीक्षांत समारोह परसों भारत भवन में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जब मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल के भारत भवन में तो मुख्यमंत्री जी द्वारा सबका दीक्षांत समारोह में सम्मानित किएगा, उनका प्रमाण पत्र देगा, उनका आचार्य समानंद गिरी स्वामी समानंद गिरी आचार्य स्वामी नामवीर तत्वानंद जी और परमात्मानंद जी और स्वामी स्वामिनी मैत्री चैतन्य जी द्वारा उनको गीता रुद्राक्ष की माला उनको शॉल और ये सारी चीज़ें भेंट की गई और अपना को बता दें कि इस सगले प्रकल्प में जौन है कि पूरे भारत भर से युवाओं के चयन ऐसा नहीं भरा कि सब ऐसा नहीं आए के चले आए, बकायदे सबके सवाल जवाब भरा, बकायदे उनका जाना करा कि उनका ज्ञान और क्षमता कितना नहीं वो का कर रहे थे और अलग अलग क्षेत्रों से जैसा हमारा जौन क्षेत्र है हम विज्ञापन और जनसंपर्क कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से और ऐसा नहीं जैसा कोई पत्रकार है कोई साहित्यकार है कोई फोटोग्राफर है कोई इंजीनियर है और जानी थे एक थे सेना के अधिकारी जिनमें पंडित कर्नल हैं सेना में उन्हों ये यात्रा में शामिल रहे हम भजन के साथ केरल में रहे पूरी शिविर की यात्रा करें और आचार्य शंकर के जौन काम है आचार्य शंकर के जौन काम है उनका लोगों तक पहुँचावे खातिर पहले खुदा गुरु शिष्य परंपरा के अंदर शिक्षा लीन और अब वह काम का वो दूसरे तक पहुँचे और एहन खातिर इस तरह से संस्कृत भाषा को लेकर आपको केरल में सम्मानित किया गया, केरल में रहे मुख्यमंत्री के द्वारा आप सम्मानित किए गए तो आने वाले समय में किस तरह से संस्कृत का जो अब कहीं ना कहीं जो विलुप्त होती दिख रही है तो प्रचलन कितना ज़्यादा हो सकता है? देखिए, रही बात संस्कृत की, संस्कृत तो देव भाषा है क्योंकि हमारी जो पुरातन सभ्यता है हमारी जो ज्ञान परंपरा है भारतीय ज्ञान परंपरा है वह समस्त चीज़ें संस्कृत में ही उपलब्ध हैं एक भाष्य के रूप में लिखित रूप में। तो अगर किसी को हमारी ज्ञान परंपरा के बारे में जानना है तो उसे संस्कृत जानना आवश्यक है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन और माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं कि आचार्य शंकर न्यास एवं अनेक प्रकल्पों के द्वारा वो ऐसे काम कर रहे हैं कि संस्कृत के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, आचार्य शंकर के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है और इस प्रकार से युवा उनसे जुड़ रहे हैं और उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। अच्छा, एक आठ संस्कृत में श्लोक सुना केरल माँ जो हमारा कैंप था उमा आत्मबोध के हम पे शिक्षा लिए तो आत्मबोध में पहला श्लोक रहा कि तपो भी क्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागिणाम तपो भी क्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागिणाम मुमुक्षु नाम पेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। इसका एक अर्थ जो है हम अपना पद्य के बतावे चाहे थे कि आत्मबोध जो ग्रंथ है उकर यह मंगलाचरण है, मंगलाचरण उकर पूरा मैंने जो आवे वाला श्लोक है उकर मने महत्व बतावत है कि आत्मबोध के का प्राप्त हो सकते के अधिकारी होते और मतलब तपो भी छीड़ पापा नाम जिनके पाप छीड़ हो जाते हैं तप के द्वारा जिन्होंने अपने पापों को छीड़ कर लिया है वो आत्मबोध के अधिकारी हैं। तो यह मेर से माने अपने को बताई कि आत्मबोध के अपने शिक्षा ली है संस्कृत माँ संस्कृतों पढ़ें गीताओं के श्लोक पढ़ें गीता के 15वां अध्याय पूरा पढ़ें और उसके बाद जो है था आचार्य शंकर न्यास के आचार्य शंकर जी के प्रकरण ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र गीता इन सब के महत्व के बारे में पढ़ें और एक के अलावा वो बहुत सारी ऐसी चीज़ पढ़ें। केरल माँ जन्मस्थली है जहाँ उनका मामा घर है वहाँ हम बच्चे रुके रहें और वहीं सगला हम पचन के जो नेता कैंप मैम भा वहीं सगला ऊपर से लेके इस तरह से संस्कृत सनातन और हिंदू धर्म की देववाणी जी तो क्या सिर्फ एक ही जाति धर्म समुदाय को उसका अध्ययन करना चाहिए चाहिए कि सभी को? नहीं 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 नहीं, देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जौन हम पचन का बतावा गया है जौन हम पचे अभी तक सीखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा जे लेते रहें जे सिखावत रहें
उच्च वर्ग के माने जाते रहे, जो ज्ञान ग्रहण करे की क्षमता रखते हैं, ज्ञान सिखावे की क्षमता रखते हैं, दोनों जातिवादी में रहा भाई नहीं पहले थे। वर्ण भेद जो रहा उनके कर्म के आधार पर रहा, जे जो में कर्म करत रहा उनका वर्ण हुआ मेरा, दोनों कौनों उनकर माने ये नहीं कि पहले से ब्राह्मण आएंगे, जन्म से ही जन्म से कुछ नहीं रहा। अगर कोई पढ़े महुसियार है तो का ब्राह्मण कहीं, अगर कोई काम करे महुसियार है उसका वैश्य कहीं, अगर कोई व्यवसाय करे महुसियार है उसका वैश्य कहीं। तो यह में जो वर्ण व्यवस्था रही ओ के हिसाब से हमका बतावा है, माने एकर कौनों हुआ नहीं है। हमारे पूरे कैंप में अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के जाति तो जन्मों नहीं बहना पचे के एकर कौन जाति रही, लेकिन सब पूरे भारत के पूरे जाति पूरे संप्रदाय पूरे धर्म के लोग रहे हैं और सब सिखिन भारतीय ज्ञान परंपरा का आचार्य शंकर न्यास के संदेश का ओकर संदेश अब जन जन तक लेके देंगे सब जन। अच्छा गीता या जैसन कुछ लोग कहा थे कि गीता अगर स्कूलन में अनिवार्य हो जाए तो गीता बहुत कुछ सिखा सकता है और लोग ओका अपने आचरण में ढालते, ये में अपना क्या विचार है? देखिए गीता जो उन्हें बहुत बड़ा ग्रंथ है, अब एमा हम अब कहब तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन अगर स्कूलन में शुरू हो जाए तो एक थे पूरी जो पीढ़ी जो खराब हो रही ना, जो अब जनरेशन जेड आ रही है, जो अब जनरेशन माने पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ रही है तो वह रुक जाए, और वह रुक जाए तो जा रही थी का हो संस्कार और जो इतना अपराध बढ़ रहे हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। काहे से कि इन सब के इठिन समाधान है संस्कार। अगर स्कूल में गीता की शिक्षा मिले लगी तब बहुत सारी चीज़ कम हो जाएगी और बहुत संस्कारित लड़का पैदा हुई ही, बहुत संस्कारित लड़का स्कूल से निकल गया। यानी अब गुरुकुलम की व्यवस्था शुरू हो चाहिए भारत में, अगर कुछ साथ नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा तो हमेशा से है मेरे गुरुकुल व्यवस्था से अगर ज्ञान मिल रहा है तो जरूर ये मैं शुरू करे चाहिए। हम तो मानी थे किया या हम पचे जौन में रही के आए हैं कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कैसा शिक्षा दी जाती, तो अगर उमा में शिक्षा मध्य प्रदेश में भारत में शुरू की जाए तो बहुत बेहतरीन हुई और हमका लागत है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे अपना ही तो सब एकदम से सुधर जाएंगे।